Don't forget to subscribe and press the bell icon to never miss a video from testbook.com. गुड इवनिंग ऑल स्वागत है आप सभी का टेक्स के ऑफिशियल चैनल पर मैं ऋतुराज अवस्थी और आज हम इस क्लास में जुड़ चुके हैं रात को नौ बज गई हैं आप सभी को पता है डेली रात में नौ बजे क्लास होता है तो आज भी रात को नौ बजे और क्लास स्टार्ट हो चुका है एसएससी एस का आज हम डिस्कस करने वाले हैं प्रीवियस ईयर पेपर आप सभी ने देखा होगा कि जो सी का एग्जाम का डेट अभी नोटिफिकेशन रिलीज हुआ था रिसेंटली सो so, बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये कन्फ्यूजन है कि सर एग्जाम में क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाएंगे सो so, पूछे किस तरह से क्वेश्चन जाएंगे ये हम कैसे पता लगा सकते हैं कि कैसे पूछे गए हैं इसके बिहार पर ओके सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑफ एस एस सी सी एस एस सी सी पी ओ कि प्रीवियस ईयर में एक पर्टिकुलर मैं आपको पेपर ही करवा दूंगा किस तरीके से जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं ठीक है बट हियर आई विल डिस्कस यू थर्टी क्वेश्चन मैं यहाँ पर थर्टी क्वेश्चन आपसे डिस्कस करूंगा जो तो प्रीवियस ईयर आपसे पूछे गए हैं ओके सो गुड इवनिंग पूनम जी निरंजन बाबू युक्ति जी पूनम स्वर्णा निथा देवानंद जी अमित कुमार जी आ, आप अरे ऐसा बिल्कुल भी नहीं है निरंजन जी ऐसा बिल्कुल भी नहीं है ओके सो ऑल गुड सभी लोग यहां पर बिल्कुल रेडी हैं जल्दी से अपना अटेंडेंस मार करो यस सर वी आर प्रेजेंट और आगे चलिए क्लास को अपन स्टार्ट करते हैं फिर जल्दी से अगर आप लोग तैयार हों तो ठीक है जल्दी से बताओ यस सर वी आर रेडी बिल्कुल हम पूरी तरीके से तैयार हैं सभी लोग रेडी हैं गुड इवनिंग आदर्श जी गुड इवनिंग साजन कुमार जी शिवम चॉकलेट बॉय जस्ट एक मिनट हुआ अपना क्लास स्टार्ट हुए डोंट वरी गाइस अभी बिल्कुल भी आपने कुछ मिस नहीं करा है ठीक है अभी अपन जस्ट क्लास को शुरू करने ही वाले हैं स्टार्ट ही हो रही है क्लास ठीक है ओके सो so बिल्कुल यहां पर रेडी है सभी लोग प्रेजेंट हैं एजेंडा ऑफ द क्लास क्या है एसएससी सीपीओ प्रीवियस ईयर जीके क्वेश्चन एस एस सी सी पी ओ का प्रीवियस ईयर का जी के क्वेश्चन हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं जी के सेगमेंट पर हम डिस्कशन करेंगे ठीक है सो आई एम वेरी गुड मोनी जी आप कैसे हैं ठीक है तो सभी लोग यहाँ पर रेडी हैं भाई प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन है उसका डिस्कशन के लिए तो चलते हैं सबसे पहला क्वेश्चन की तरफ फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन में ये रहा पूछा गया है आपसे यहाँ पर देखो विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया स्टेट्स दैट ऑल अथॉरिटीज सिविल एंड जुडिशियल इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया सेल एक्ट इन एड ऑफ द सुप्रीम कोर्ट भारत के संविधान के अनुच्छेद में यह कहा गया है कि भारत के क्षेत्र में सभी प्राधिकरण नागरिक और न्यायिक सर्वोच्च न्यायालय की सहायता में कार्य करेंगे आर्टिकल 144, 157, 137 और 121 ठीक है सो यहां पर देखिए आपको आंसर बताना है आंसर 144 आ चुका है अमित कुमार जी कह रहे हैं 144 इसका राइट आंसर रहेगा जो कि बिल्कुल सही है 144 इज द राइट आंसर आर्टिकल 144 कहा गया आर्टिकल 144 डील किस चीज को करता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से ऑल अथॉरिटीज ऑफ द सिविल एंड ज्यूडिशियल इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया शैल एक्ट इन ऐड ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ठीक है आर्टिकल 157 के बारे में भी हम जान लेते हैं मान लीजिए अगर यही क्वेश्चन पूछ लिया गया तो हमसे बनना चाहिए आर्टिकल 157 कहता है द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विद द द पावर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट स्टेट गवर्नर ठीक है 137 किस चीज को डील करता है ये आपका इंडिया जो ये Supreme Court. Supreme Court का जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये रिव्यू ऑफ द जुरिस्ट्रिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का जो रिव्यू जुरिस्ट्रिक्शन है इसकी पावर से डील करता है और जो आर्टिकल 121 है ये डील करता है रिस्ट्रिक्शन ऑफ डिस्कशन इन पार्लियामेंट पार्लियामेंट में जो रिस्ट्रिक्शन लगाए गए हैं डिस्कशन में उनके बारे में डील करता है ओके okay? सो so, यहां पर पहला रॉन्ग हो गया कोई बात नहीं निरंजन हो जाने दो गलतियां हर कोई करता है ठीक है ये क्वेश्चन आपसे टू में पूछा गया था अगले क्वेश्चन पर आते हैं पूछा गया आपसे यहां पर विच मसल इन द स्किन कॉन्टेक्ट टू मेक द हेयर ऑन आवर स्किन स्टैंड अप्रेट वेन वी आर कोल्ड और थ्रेटेन जब हम ठंडे या भयभीत हो रहे होते हैं तो हमारी त्वचा के बाल सीधे खड़े होने लग जाते हैं रोंगटे जिसको बोलते हैं ना रोंगटे खड़े हो जाना पूरे के पूरे शरीर में बाल एकदम बिल्कुल सीधे खड़े होने लग जाते हैं तो ये जो है ना कौन सी मांसपेशियां हैं जो आपका सिंक होती हैं जिसकी वजह से ये इवेंट होती है ओके सो अंकिता जी आ गई हैं राजमंडल जी कह रहे हैं दिस इज माय फर्स्ट क्लास वेलकम राजमंडल जी स्वागत है आपका टेस्टबुक के चैनल पर ओके okay, सो so, बिल्कुल यहां पर देखो आंसर में आपके जो दिया गया है एपिडर्मिस कॉलेजन एलास्टिन और एरेक्टर पीली व्हाट इज द राइट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन क्या है इसका सही उत्तर आपको बताना है देखो इसका अगर आप सही उत्तर जानेंगे तो क्या हो जाएगा राइट right आंसर अगर आप यहां पर जानेंगे इसका तो सिंपल सा है कि यह क्या कहला जाएगा इसको अपन बोलेंगे राइट आंसर यहां पर अरेक्टर पीली ठीक है अरेक्टर पीली जिसको फोर कहा गया फोर्थ वन इज द राइट आंसर अरेक्टर पीली जो त्वचा होती है स्किन होती है ये आपका सिंक होने लग जाती है जब हम ठंडे होते हैं या हम भयभीत हो रहे होते हैं ठीक है ठंडे या भयभीत हो रहे होते हैं तब तो हमारी त्वचा में जब ये क्या होते हैं कि भाई सिंक होने लग जाती तो बाल क्या होते हैं सीधे खड़े हो जाते हैं है ना एपिडर्मिक की बात करोगे तो ये जो एपिडर्मिस है ये आपका क्या होती है कि एक कोशिकाओं की जो बाहरी परत होती है इट इज द आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ द सेल और जो ऊपरी परत होती है त्वचा का निर्माण करती है दैट इज नोन एज द एपिडर्मिक इफ वी टॉक अबाउट द कोलेजन कोलेजन इज वॉट ये एक प्रोटीन होता है जो मानव शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाता है सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाता है दैट इज अ प्रोटीन और ये नसों स्किन जो हमारी मांसपेशियां होती हैं बोन्स वगैरह होती हैं इन सब में पाया जाता है इफ वी टॉक अबाउट द इलास्टिन व्हाट डू यू मीन बाय द इलास्टिन इलास्टिन का मतलब यहां पर होता है कि ये एक ईसीएम प्रोटीन है ईसीएम का मतलब होता है कि ये आपका एक बाह मैट्रिक्स होता है ठीक है इलास्टिन इज एन ईसीएम प्रोटीन ईसीएम का मतलब होता है एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स ठीक है विच प्रोवाइड इलास्टिसिटी एंड रेसिलेंस टू ऑर्गन जो पूरी की पूरी बॉडी में लचीलापन और उतकों वगैरह में लोच प्रदान करता है जैसे अगर हम देखो भाई बॉडी अपनी ऐसे सिंक हो जाती है मूव हो जाती है तो सारा कुछ लचीलापन कहाँ से आता है दैट कम्स फ्रॉम द इलास्टिन जैसा कि उसका नाम है नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन में पूछा गया है एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द सब्जेक्ट ऑफ लाइफ स्टॉक एंड एनिमल हस्बेंड्री इज इंक्लूडेड इन द भारतीय के संविधान के अनुसार पशुधन और पशुपालन का विषय निम्नलिखित में शामिल है कॉन्करेंट लिस्ट यूनियन लिस्ट स्टेट लिस्ट और रेसिड्यूरी लिस्ट किसमें शामिल है यह आपको बताना है ओके okay, सो so जल्दी से यहां पर बताइए क्या हो जाएगा इसका राइट right आंसर थ्री वन थ्री वन थ्री वन ऑलमोस्ट हर कोई अमित कुमार जी तो कह रहे हंड्रेड परसेंट इसका आंसर थ्री होगा राइट right आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा स्टेट लिस्ट ठीक है देखो अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो ये एक्जैक्टली exactly जो प्रोविजन है कहाँ पर है अगर हम इसकी बात करते हैं तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आपके 22 पार्ट्स हैं 395 थ्री नाइन्टी फाइव आर्टिकल्स एंड ट्वेल्व शेड्यूल्स हैं एट प्रेजेंट तो 12 शेड्यूल्स में से जो सेवेंथ शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है ये डील करता है किस चीज़ को डिवीजन ऑफ पावर ठीक है डिवीजन ऑफ पावर शक्तियों के बंटवारे को डील करता है और ये जो डिवीजन ऑफ पावर है इसमें तीन तरीके की सूचियां आ जाती हैं एक जैसे कहा गया आपका लिस्ट वन लिस्ट टू और लिस्ट थ्री लिस्ट वन कहलाती है आपका यूनियन लिस्ट जिसपे कानून बनाने का इंप्लीमेंट करने का अधिकार यूनियन के पास होता है लिस्ट टू में कानून बनाने का इंप्लीमेंट करने का अधिकार स्टेट गवर्नमेंट के पास होता है साथ ही साथ सुपरविजन का अधिकार भी और लिस्ट थ्री में इंप्लीमेंट लॉ मेकिंग सुपरवाइजिंग ये तीनों पावर दोनों के पास होते हैं बिलोंग्स फ्रॉम द स्टेट एंड सेंटर बट इन केस ऑफ डिस्प्यूट के केस में कि यहां पर क्या हो जाएगा कि जो कानून है किसका मान्य होगा दैट इज कन्फाइंड और दैट इज द अंडरस्टूड बाई द सेंटर सेंटर के द्वारा जो कानून है वो यहां पर मान्य होगा ठीक है और आपसे अगर हम देखें कि भाई पशुधन और पशुपालन जो है किसका मैटर है तो ये स्टेट लिस्ट का मैटर आ जाता है राज्य सूची में जो विषय हैं उनमें जो राज्य की विधायिका और जो सारे के सारे आपके इंपॉर्टेंस किसके होते हैं स्टेट इंपॉर्टेंस के वो यहां पर आ जाते हैं ठीक है अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर पूछा गया है चौथा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है विच ऑफ द फॉलोइंग इज आ डिस्टिंक्टिव कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एंजियोस्पम निम्नलिखित में से कौन सी आवृत जीवी की एक विशिष्ट विशेषता होती है लॉन्ग रीफ कंसील्ड सीड थिक बार्क और स्मॉल रूट क्या होता है यह आपको बताना है जल ही जीवन है ठीक है जल पानी किसे कहा जाता है ना जल ही जीवन है सो so, इसका अगर सही उत्तर आप देखेंगे राइट आंसर यहां पर क्या हो जाएगा कंसील्ड सीड कंसील्ड कंसीड जो होते हैं आपके आर द या इनएक्टिव कैरेक्टरिस्टिक ऑफ जीबी की सबसे विशिष्ट योग्यता होती है ठीक है एनजीओ स्पम्प आर नोन एज द लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ प्लांट प्रेजेंट इन द अर्थ अर्थ में जितने भी प्लांट प्रेजेंट है ना उनमें सबसे ज्यादा जो पार्टिसिपेशन है वो किसका होता है एनजीओ स्पम का होता है ठीक है एनजीएसराइटी जैसे जड़ी बूटिया हुई झाड़िया हुई पेड़ों हर चीज के तौर पर क्या कर सकते हैं आपका ये इनक्रेज हो सकते हैं ओके okay, सो so अगले क्वेश्चन पर आते हैं पूछा गया था आपसे यहाँ पर प्रीवियस ईयर में विच केमिकल लॉ प्रपोज दैट सॉफ्ट ड्रिंक एंड सोडा बॉटल आर सील्ड अंडर हाई प्रेशर टू इंक्रीज द सोलिबिलिटी ऑफ CO2 uh, किस रासायनिक नियम का प्रस्ताव है कि CO2 की घुलनशीलता बढ़ाने के लिए उच्च दाब में शीतल पेय और सोडा की बोतलें सील की जाती हैं राउल्ट लॉज हैनरी लॉ डाल्टन्स लॉ और ओम्स लॉ किसका नियम है ओके okay, सो so, बिल्कुल यहां पर देखो जल्दी से अपना अटेंडेंस मार्क कर दिया करो गई जितने लोग नए जुड़ते हैं तो आपको एटलीस्ट अपना अटेंडेंस तो मार्क करना चाहिए डू हेट द लाइक बटन और अटेंडेंस मार्क करिए जितना ज्यादा लाइक like होगा ना क्लासेस आपकी देखो डेली आती हैं एंड एवरीवन इज वर्किंग हार्ड फॉर यू सो इट इज नथिंग आपको सिर्फ लाइक like करना है वीडियो को शेयर करना है तो लाइक करना एंड शेयर करना है एट एज जस्ट योर ड्यूटी ठीक है सो यहां पर देखो क्या होगा कि आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया है कि सीओ टू की घुलनशीलता को बढ़ाने के लिए उच्च दाब में जो भी शीतल पेय होते हैं जिन्हें हम कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह कहते हैं तो इनकी सोडा बोतलों को सील की जाती है तो राइट आंसर यहां पर क्या हो जाएगा इसका हैनरी का नियम हैनरी का नियम था जो ये कहता था देखिए अगर हैनरी के नियम की बात करोगे तो इसने क्या चीज बोला था प्रपोज करा था सॉफ्ट ड्रिंक एंड सोडा आर सील्ड अंडर द हाई प्रेशर टू इंक्रीज द सॉल्युबिलिटी ऑफ सीओ टू की सॉल्युबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए उसे यहां पर क्या करा जाता है बॉटल्स uh, को सील किया जाता है हाई प्रेशर में ठीक है रॉल्ट जो रॉल्ट का नियम था या जिसको राउल्ट का लॉ कहा गया ठीक है So, राउल्ट यहां पर क्या था कि इन्होंने कहा था कि जो पार्सल वेपर प्रेशर होता है सॉल्वेंट का किसी भी सॉल्यूशन में ये इक्वल होता है वेपर प्रेशर के जो प्योर सॉल्वेंट होता है और मल्टीप्लाई उसके अगर मोल और फ्रैक्शन से कर दिया जाए तो ठीक है इसमें ये कहा गया था कि बिलियन में बिलायक का जो आंशिक वाष्प दबाव होता है बिलियन में इसके मोल के भिन्न से गुणा किए गए शुद्ध बिलायक के वाष्प के बराबर होता है फिर जो आपका डाल्टन का नियम है तो डाल्टन के नियम से तो सभी लोग परिचित कहें यहां पर इन्होंने बोला था कि गैसों के मिश्रण से निकलने वाला जो कुल दबाव होता है मिश्रण में जितनी भी गैसें हैं उनके आंशिक दबाव के योग के बराबर होता है क्या चीज था टोटल प्रेशर एक्सर्टेड बाई अ मिक्सचर ऑफ गैसेज इज इक्वल टू द सम ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैसेस द मिक्सचर सबसे लास्ट में ओम के नियम के बारे में हम डिस्कशन कर लेते हैं तो ओम का नियम यहां पर क्या बोलता है कि भाई पोटेंशियल डिफरेंस और वोल्टेज बिटवीन टू पर्टिकुलर पॉइंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रिसिटी और द करेंट पासिंग थ्रू द रजिस्टेंस दो बिंदुओं के बीच में जो भी विभवान्तर होता है विभवान्तर का मतलब क्या होता है दैट इज नोन एज द पोटेंशियल डिफरेंस तो होता है तो वोल्टेज या प्रतिरोध जो होता है तो विपरीत अनुपातिक और प्रतिरोध के मध्यम से गुजरने वाली विद्युत के धारा के समानुपाती होता है ओके सो आई होप कि आपको यहां पर समझ आ गया होगा अगले क्वेश्चन पर आते हैं पूछा गया है आपसे यहां पर देखिए कि इन प्लांट किंगडम फोन एंड फर्स अलाइज बिलोंग टू विच ग्रुप पौधों के साम्राज्य में फंस और फर्न सहयोगी किस समूह से संबंधित है Zymnosperm, Bryophyta, Pteridophyta, or Thalophyta. Uh, can it constant temperature? Uh, yes, mainne, I have already told you the definition of all the three particular laws. Okay, when we will discuss in the science, I will tell you about those particular laws. Okay. क्वेश्चन so, का यहां पर देखो राइट right आंसर क्या हो जाएगा इसका टेरिडोफाइटा टेरिडो फाइटा इज द राइट आंसर जो यहां पर थर्ड वन है ये इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा प्लांट किंगडम में अगर हम बात करते हैं तो जो फर्न और फर्न ये सहयोगी समूह होते हैं टेरिडोफाइटा के टेरिडोफाइटा ऐसे पर्टिकुलर वीजाणु होते हैं विजाणुओं के माध्यम से जिनमें प्रजन होता है ना कि बीजों के टेरिडोफाइटा आर द प्लांट विच रिप्रोड्यूस थ्रो द स्पोर्स नॉट फ्रॉम द सीड्स ये से से निकल करके सामने आते हैं सीड्स से आपका इनका जो रिप्रोडक्शन है वो नहीं होता है ठीक है जब आप यहां पर ब्रायोफाइटा की बात करोगे तो ब्रायोफाइटा ये नॉन बेस्कुलर सीडलेस प्लांट होते हैं जैसे आपका मॉसस हो गया जो गैर संवहनी बीज रहित होते हैं जैसे काई जिसको अपन बोलते हैं ठीक है चीके? और थैलोफाइटा की बात करोगे तो ये नॉन मोबिल ऑर्गेनिज्म होते हैं जैसे फंगी या एल्गी वगैरह हुए उन्हें हम क्या बोल देते हैं दे आर नोन एज द थैलोफाइटा ठीक है गतिशील जैसे कवक वगैरह हुए और जिम्नोस्पम जिनको अनावृत बीजी कहा जाता है तो आर द फ्लावरलेस प्लांट जो प्रोड्यूस करते हैं सीड्स और कोन ये फ्लावरलेस प्लांट्स होते हैं जो आपके सीड्स और कोन को प्रोड्यूस करते हैं ठीक है अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है इन विच ईयर डिड किंग जॉर्ज पंचम एज्यूम द क्राउन ऑफ इंडिया किंग जॉर्ज पंचम ने भारत का ताज किस वर्ष ग्रहण किया था नाइनटीन सेवनटीन नाइनटीन ट्वेंटी थ्री नाइनटीन जीरो सिक्स एंड नाइनटीन इलेवन ओके सो देखते हैं इसका राइट आंसर कौन बताता है भाई Uh, इसका सही उत्तर आप देखेंगे तो क्या हो जाएगा 1911 आप सभी को पता है कि ये स्टोरी कहां से शुरू हुई थी दिस स्टार्टेड फ्रॉम द 1905 1905 में हुआ था सेपरेशन ऑफ बंगाल बंगाल का जब सेपरेशन कर दिया था दिस इज सेकेंड टाइम व्हेन होल इंडिया कम्स अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स ये दूसरा ऐसा टाइम था जब पूरा का पूरा भारत जो था तो अंग्रेजों के अगेंस्ट आ गया था और उन्हें ये लगने लग गया था कि हमारी सत्ता अब यहाँ से उखाड़ करके फेंक दी जाएगी तो उन्होंने क्या करा था कि भाई अरुण्डल कमेटी बनाई थी कि हमें क्या करना चाहिए अरुणल कमेटी के रिकमेंडेशन को लेकर के जॉर्ज पंचम नाइनटीन में भारत आते हैं यहीं से इन्होंने जो था ना कि भाई भारत में जो सेपरेशन ऑफ बंगाल था उसको कैंसिल कर दिया था बंगाल के सेपरेशन को कैंसिल करने के बाद भारत की कैपिटल भी यहाँ पर इन्होंने ट्रांसफर कर दी थी डेली कलकत्ता से ठीक है और न्यू डेली जो थी ना तो ऑफिशियली अगर आप देखोगे तो कैपिटल कब बन जाती है थर्टी फर्स्ट दिसंबर नाइनटीन ट्वेंटी सिक्स को न्यू डेली ऑफिशियली भारत की कैपिटल बन जाती है यहीं से जॉर्ज पंचम ने जो टाइटल लिया था ब्रिटिश क्राउन का और इनके आगमन पर तीसरा थर्ड दिल्ली दरबार सजाया गया था और मुंबई में जो गेटवे ऑफ इंडिया है वो इनके स्वागत के लिए बना था अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर पूछा गया है विच सब्सटेंस कवर द रूट ऑफ द टूथ कौन सा पदार्थ दांत की जड़ों को ढकता है सेमेंटम पल्प एनामेल और डेंटिन ठीक है तो देखते हैं भाई इसका राइट आंसर कौन देता है इसका सही उत्तर आप देखेंगे तो ये हो जाएगा सेंटम जिसको दंत ब्रज दंत बज्र कहा जाता है सेंटम कवर द रूट ऑफ द टीथ ये टूथ के रूट को कवर करता है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है इंपॉर्टेंट इश्यू है जिसको हम क्या बोलते हैं जिसको हम बोलते हैं संलग्न या पेरीडोंटल पेरीडोंटल और डेंटल अटैचमेंट को बनाए रखने के लिए एनामिल की बात करोगे तो एनािल ये आपका आउटर कवरिंग टूथ का जो सरफेस होता है ना ये वाइट वाइट ये कहला जाता है एनामिल ठीक है एंड इट इज़ द हार्डेस्ट जियोलॉजिकल मटीरियल डेंटिन की बात करोगे तो डेंटिन यहां पर एक येलोवेस टिश्यू होता है जो टीथ को क्या कर दिया था दांतों को थोक में बनाता है ठीक है और जो पल्प है पल्प से सभी लोग आप परिचित ही हैं जिसको गुदा कहा जाता है अगला क्वेश्चन नौवे नंबर के प्रश्न में आपसे पूछा गया है विच रिवर हैज ट्रिब्यूटरी बाय द नेम ऑफ दरी मथुन तालोन एम इमरा एंड आवा ये क्वेश्चन मैंने आपको करवाया था ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर एसएससी सीपीओ में पूछा गया है कावेरी, दिबांग गोदावरी और लोहित जितने लोग नए आते हैं एटलीस्ट अपना अटेंडेंस जरूर मार्क किया करो वीडियो को लाइक किया करो ठीक है कंप्यूटर जी हमारे क्या करेंगे आपको कंप्यूटर जी हमारे आपको डिजिटल चॉकलेट खिलाएंगे ठीक है कंप्यूटर जी तो यहां पर देखो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा सही उत्तर आप देखेंगे इट इज नोन एज दिबांग ठीक है किस नदी के पास सहायक नदियां हैं तो दिबांग जो है ना दिबांग नदी में दरी मथुन तालोन एमी एही एमरा और आवा ये सारी की सारी नदियां इसकी सहायक है ट्रिब्यूटरीज कहला जाती हैं कावेरी नदी की जो ट्रिब्यूटरीज है उनमें आप देखोगे तो क्या जाती आ जाती हैं जस्ट लाइक हरंगी हेमावती अमरावती भवानी और काबिनी ये आ जाते हैं गोदावरी की बात करोगे तो मंजीरा पूमा प्रवरा इंद्रावती और सबरी नदी है लोहित जो रिवर है तो लोहित अगर देखोगे तो ये खुद ट्रिब्यूटरी है किसकी ब्रह्मपुत्र नदी की ठीक है सो देखिए यहां पर अंकिता जी ने ही सबको चॉकलेट दे दी भाई लोहित रिवर ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरी है लोहित हुई तीसरा मानस और धनश्री अगला क्वेश्चन दसवें नंबर पर आपसे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कैटेगराइज एज अ सोल्यूशन निम्नलिखित में से कौन सा एक विलियन के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है डायमंड सी वाटर साल्ट और कोल ठीक है क्या है भाई डायमंड सी वाटर साल्ट और कोल तो राइट right आंसर इसका हो जाएगा सी वाटर ठीक है कैसे देखो क्वेश्चन आपसे पूछा गया था सोल्यूशन के बारे में विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कैटेगराइज एज अ सोल्यूशन सी वाटर को सोल्यूशन के तौर पर हम कैटेगराइज करते हैं क्योंकि इसमें जो आपका मिक्सचर होता है 2.5 परसेंट ऑफ सॉल्ट 2.5 परसेंट यहां पर क्या होता है आपका सॉल्ट होता है और 95.6 परसेंट सॉरी 96.5 हो जाएगा 96.5 परसेंट होगा ना फाइव फाइव टेन सिक्स हाँ ये आपका क्या हो जाता है यहाँ पर वाटर कहला जाता है ठीक है और डायमंड की बात करोगे तो डायमंड एक सॉलिड फॉर्म है सॉलिड फॉर्म है और किसका कार्बन का सॉल्ट की बात करोगे तो मिनरल है जो कंसिस्ट होता है सोडियम क्लोराइड से कोल वन ऑफ द प्राइमरी फॉजल फ्यूल कहला जाता है अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर नंबर पर पूछा गया रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द मराठा एंड द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द ऑफ़ सालबाई इन ईयर मराठा साम्राज्य और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रतिनिधियों के द्वारा जो सालबाई की संधि है उस पर हस्ताक्षर कब किए गए थे आप सभी को पता है कि जो पहला आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था इसके परिणाम को निपटाने के लिए इसके हस्तांतरित किया गया था इस संधि में कुछ शर्तें दी गई थी शर्तों में यह कहा गया था कि अंग्रेजों ने ब्रोच और सालसेट ब्रोच और सालसेट पर नियंत्रण बनाए रखा था और इस बात की गारंटी ली थी कि मराठा मैसूर के हैदर अली को हराकर कर्नाटक क्षेत्र में कब्जा कर लेंगे ठीक है तो यह राइट आंसर कब हो जाएगा आपका 1782 1782, 1782 सत्रह बयासी में सेवनटीन में यहां पर क्या हुआ था कि भाई स्ट्रिटी को साइन करा गया था ठीक है अगले क्वेश्चन पर आते हैं पूछा गया है आपसे यहां पर बारहवें नंबर पर हु रूल्ड मैसूर अंडर द सब्सिडरी अलायसेज विद्रिटिश आफ्टर द डिफीट ऑफ टीपू सुल्तान एट द बैटल ऑफ श्री रंगपत्तनम श्री रंग पत्तनम की लड़ाई में टीपू सुल्तान की हार के बाद अंग्रेजों के साथ एक सहायक गठबंधन के तहत मैसूर पर किसने शासन किया था कदमबास गंगास वॉडेयर और पांड्य किसने किया था तो इसका सही उत्तर आप देखेंगे राइट आंसर यहां पर हो जाएगा वॉडेयर ठीक है वॉडियार यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा देखिए अगर हम वॉडियार की बात करते हैं तो श्रीरंगपट्टनम की लड़ाई में जब टीपू सुल्तान हार जाते हैं तो अंग्रेजों के साथ एक सहायक गठबंधन जिसको सब्सिडरी अलायंसेस कहा जाता था सब्सिडरी अलायंसेस का मतलब होता था कि कोई भी पर्टिकुलर राजा की जो टेरिटरी होती थी उसके अंदर उनको सेना रखनी होती थी किसकी अंग्रेजों की और सेना के जो एक्सपेंसेस वगैरह थे ये भी उनको ही देने हुआ करते थे है ना तो ये जो वाडियार थे ना वाडियार ने यहाँ पर ट्रिटी साइन करी थी वाडियार वंश अगर देखोगे तो ये 1399 से लेकर के 1947 तक वहां पर रहा ठीक है और एकमात्र भारतीय शाही परिवार माना जाता है जिसने राज्य में लगभग 500 वर्षों तक क्या किया था शासन किया था ठीक है एकमात्र शाही परिवार था ये और श्रीरंगपट्टनम की जो लड़ाई है ये आप सभी को पता है कि भाई 1799 के आसपास ये पर्टिकुलर जो युद्ध है हुआ था और इस युद्ध में टीपू सुल्तान की मौत हो गई थी अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है थर्टींथ नंबर पर व्हाट काइंड ऑफ रिलेशनशिप एग्जिस्ट बिटवीन द इनकम एंड डिमांड इन केस ऑफ नॉर्मल गुड्स सामान्य वस्तुओं के मामले में आय और मांग के बीच किस तरह का संबंध होता है पूनम जी यहां पर कह रही हैं किस्मत ने हरा दिया है दोस्त मगर इतने भी गुनाहगार नहीं हम मरे एक सिपाही की मौत क्या इसके हकदार नहीं हम वेरी गुड क्वेश्चंस पर भी ध्यान दे लो सीपीओ का एग्जाम है इस बात का बहुत मौका मिलेगा अगर सीपीओ को कैप्चर कर लिया तो ठीक है ऑप्शन यहाँ पर दिए गए यहाँ से समटाइम देर इज़ अ डायरेक्ट रिलेशन समटाइम्स एंड इनवर्स रिलेशनशिप देर इज़ नो इम्पैक्ट ऑफ इनकम ऑन डिमांड देर इज़ डायरेक्ट रिलेशन देयर इज इनवर्स रिलेशन तो बिल्कुल सही बात है डायरेक्ट रिलेशन है पैसा है तभी खर्च करोगे ठीक है इनकम और डिमांड के ऊपर अगर अपन सोचें कि भाई ऑडी खरीदना है जिनमें दस रुपए पड़े हैं तो अपन ऑडी नहीं खरीद सकते ठीक है और वहीं अगर अपन अरबों कमा रहे हैं तो ऑडी क्या ऑडी की पूरी कंपनी को भी खरीद सकते हैं सो दिस इज डायरेक्टली डिपेंड डायरेक्टली रिलेशन है यहाँ पर मनी और डिमांड का इफ़ यू हैव मनी यू हैव डिमांड यू डोंट हैव मनी यू डोंट हैव डिमांड वैलिड डिमांड और हम ऐसा भी कह सकते हैं द वैलिडिटी ऑफ द डिमांड इज डिपेंड ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ फंड अवेलेबिलिटी ऑफ मनी ठीक है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट मी दम मी फी द फेस्टिवल ऑफ एंसेस्टर वर्सिप सेलिब्रेटेड निम्नलिखित में से किस राज्य में मीड मी पूर्वज की पूजा का त्योहार मनाया जाता है छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश असम और उड़ीसा कहां पर मनाया जाता है यह आपको बताना है ठीक है जल्दी से आंसर करिए भाई इसका गर्मी बहुत हो रही है आज इकोनॉमी तुम्हारी समझ से बाहर है मोनी तो हमने डायरेक्ट रिलेशन बताया तो कि अगर तुम्हारे पास जैसे मान लो तुम बाहर गए कहीं बाहर गए पांच रुपए किराया लगना था पॉकेट में पांच रुपए ही हैं भूख लगाई तो क्या समोसा खाओगे नहीं अगर समोसा खा लिए तो पैदल पैदल घर जाना पड़ेगा तो फिर क्या करोगे भूख को साधोगे पाँच रुपये किराया लगा करके कहाँ जाओगे घर जाओगे फिर खाना खाओगे है ना खाने की डिमांड तो उसी समय पर आ गई थी बट पैसे नहीं थे इसलिए वो डिमांड वैलिड नहीं थी ठीक है पैसा होगा तभी डिमांड होगी पैसा नहीं है तो डिमांड नहीं होगी राइट आंसर इसका हो जाएगा आसाम सभी लोग यहां पर आंसर दे ही रहे थे ठीक है इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका आसाम जो मानदम मेफी एक फेस्टिवल है एंसेस्टर वर्सिप का ये मनाया जाता है मा, मा, आसाम में एक मेजर रिलीजियस फेस्टिवल है ये आसाम का आसाम के जो पीपल हैं ये आपका ऑर्डर करते हैं Uh, उनके जो एंसेस्टर्स होते हैं ठीक है अपने पूर्वजों को खुश करने के लिए उनकी पूजा करते हैं ताकि ये सुनिश्चित हो सके उनके पूर्वज उन पर हमेशा नजर रखे हुए हैं ठीक है मी प्रसाद का संदर्भित करता है डैम का मतलब होता है पूर्वजों से और फी का मतलब होता है देवताओं से ठीक है मी डैम फी अगला क्वेश्चन पंद्रहवें नंबर के क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है जनपद अवार्ड वन ऑफ द वन ऑफ इंडियाज हाइजेस्ट लिटरेसी अवार्ड वॉज कन्वेंस इन ईयर भारत के सर्वोच्च साहित्य पुरस्कारों में से एक ज्ञानपीठ पुरस्कार की कल्पना किस वर्ष में की गई थी 1969, 72, 57 और 61 ठीक है सो यहां पर देखो इसको बताना है आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा तो वैसे तो अगर देखें तो इसकी कल्पना 1961 की बात है जब कर ली गई थी टाइम्स ऑफ इंडिया के प्रकाशक साहू जैन परिवार के द्वारा जो थे ना तो इनको स्थापित कर दिया गया था साहू जैन फैमिली जो टाइम्स ऑफ इंडिया है उससे उनके द्वारा इसको स्थापित करा गया था और पुरस्कार के तहत पहले जो प्राप्तकर्ता थे उनको मलयालम लेखक जिनका नाम था जी शंकर कुरूप वॉज द फर्स्ट पर्सन टू वन दिस अवार्ड इन 1965 मलयालम कवि जो थे आपके जिनको अकीथम अकीथम को 2019 के लिए इस पुरस्कार के लिए चुना गया था ठीक है और इस पुरस्कार में 11 लाख रुपए का नगद पुरस्कार मिलता है और हिंदू देवी जो सरस्वती हैं उनकी कांस की मूर्ति कांस की प्रतिलिपि दी जाती है अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है सिक्सटीन नंबर का वट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द एक्राइन एक्राइन ग्लैंड ग्रंथियों का प्राथमिक कार्य क्या होता है टू प्रोड्यूस बॉडी हेयर टू प्रोड्यूस कलर ऑफ द स्किन टू प्रोड्यूस स्वीट टू प्रोड्यूस ग्रोथ हॉर्मोन्स वट डू मीन बाई एक्राइन ग्लैंड एक्राइन ग्रंथियों का मतलब क्या होता है तो इसका सही उत्तर आप देखेंगे राइट आंसर यहां पर क्या हो जाएगा पसीना उत्पन्न करना द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द एक्राइन ग्लैंड इज टू प्रोड्यूस स्वेट पसीना उत्पन्न करना इनका मेजर फंक्शन होता है ये जो ग्रंथियां हैं शरीर के तापमान को क्या रखती हैं मैनेज करके रखती हैं स्थिर करके रखती हैं और जब ये ग्रंथियां आपकी स्किन पर होती हैं तो यहाँ से ये क्या करती हैं आपका वाटर का सर्कुलेशन करती हैं जिससे बॉडी का जो तो टेम्परेचर है अंदर और बाहर का ये मैनेज हो सके ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन 17 में आपसे पूछा गया है द ब्रेकिंग अप एंड डिके ऑफ एक्सपोज रॉक बाय टेम्परेचर चेंजेस फ्रॉस्ट एक्शन प्लांट एनिमल एंड ह्यूमन एक्टिविटी कॉल्ड तापमान परिवर्तन ठंड कार्रवाई पौधे जानवरों और मानव गतिविधियां द्वारा उजागर चट्टानों के टूटने और छह रोग को कहा जाता है स्मैल्टिंग एरोजन डिफॉरस्टेशन और, और वेस्टरिंग क्या कहा जाता है इसको गलन अपर्दन निर्वाणीकरण और अपक्षय तो इसका अगर आप सही उत्तर देखेंगे क्या हो जाएगा आपका जिसको हम बोलते हैं वेदरिंग अप जिसे कहा जाता है वेदरिंग अप इज द राइट आंसर देखो ब्रेकिंग अप और डिके मतलब जो तापमान में परिवर्तन ठंडाई करना पौधे जानवरों मानो सारी गतिविधियों द्वारा उजागर जो चट्टानों के टूटने और को आप कहा जाता एक्शन प्लांट एनिमल एंड ह्यूमन एक्टिविटी नेक्स्ट क्वेश्चन एटींथ नंबर आपकी स्क्रीन पर रहा पूछा गया है आपसे विच कमीशन वॉज अपॉइंटेड बाई सेंट्रल गवर्नमेंट टू एग्जामिन इश्यू रिलेटेड टू सेंटर स्टेट रिलेशन केंद्र राज्य संबंधों से रिलेटेड जो मुख्य जांच के लिए केंद्र सरकार ने किस आयोग की नियुक्ति करी थी कोठारी कमीशन नानावटी कमीशन मंडल कमीशन और सरकरिया कमीशन ठीक है इसका राइट आंसर आपको बताना है क्या है सो बिल्कुल देखो यहां पर अगर इसके सही उत्तर को देखोगे तो क्या हो जाएगा राइट आंसर आपकी स्क्रीन पर ये रहा इसका सही उत्तर आप देखेंगे तो हो जाएगा सरकरिया कमीशन को अपॉइंट करा गया था गवर्नमेंट के द्वारा 1983 1983 में 1983 में अपॉइंट करा गया था और इसको बनाने के पीछे का कारण क्या था एग्जामिन द इशू रिलेटेड टू द सेंटर रिलेशनशिप से. कोठारी कमीशन जो था ना तो ये 1964 1964 में इसको बनाया गया था कारण क्या था इसको बनाने का कि जो एक्सपेक्ट है एजुकेशन सेक्टर से रिलेटेड उससे जो चेंजेस थे उनके लिए बनाया गया था नानावटी जो कमेटी थी ये बनी थी आपका 1984, 1984 में बनाया गया था कमीशन को कारण था सॉरी 1984 में जो सिख रियॉर्ड हुए थे इनकी जांच के लिए नानावटी कमीशन को साल 2000 में बनाया गया था ठीक है नानावटी कमीशन को साल 2000 में 1984 के जो सिख रियॉर्ड्स हुए थे एंटीसिक रियॉर्ड्स उनकी जांच के लिए और मंडल कमीशन आप सभी को पता है कि आ जाएगा 1979 में पीएम मोरारजी देसाई ने बनाया था इसका स्टडी रिप्रेजेंटेशन जो एजुकेशनली और सोशली बैकवर्ड कास्ट थे उनसे ठीक है यह सारे मैंने बता दिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर पूछा गया है आपसे यहां पर कि विच मिनरल इज पॉपुलरली नोन एज द ब्यूरिड सनसाइन किस खनिज को अंतर्नहित धूप के रूप में जाना जाता है मीका आयरन बाक्साइट और कोल ठीक है तो इसका देखो राइट आंसर यहां पर क्या होगा कोल कोयला जिसको कहा जाता है ये इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा और नाइनटीन्थ क्वेश्चन में जो आपसे पूछा गया था क्योंकि देखो कोल को पॉपुलरली जो ना जाता है ब्यूरेट सनसाइन ब्यूरेट सनसाइन का मतलब अंतर नहीं धूत जब इसको जलाया जाता है तभी तो ये एनर्जी देता है ठीक है तो इसलिए यहाँ पर इसको कहा जाता है बिकॉज द डेवलपमेंट ऑफ प्लांट जो है ये रिमेन करता था एग्जिस्टिंग चार मिलियन पहले से और वो जब जमीन के नीचे दब गए तो उन्हीं से यहाँ पर क्या बन गया आपका कोयला बन गया ठीक है अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर पूछा गया है द फिनोमिना ऑफ फिजिक्स वेन इन पोलार रीजन लाइक अलास्का एंड नॉर्दर्न कनाडा आ स्पलेंडेड डिस्प्ले ऑफ कलर्स इज सीन इन द स्काई इज कॉल्ड ए एन भौतिकी की घटना जब अलास्का और उत्तरी कनाडा जैसे ध्रुवीय क्षेत्रों में रंगों का एक शानदार प्रदर्शन आकाश में देखा जाता है उसे क्या कहा जाता है स्टार्स इंसेंटिंग ल्यूमिनोसिटी अरोरा बोरे एक्टिव गैलेस्ट्रिक न्यूक्लियस और स्टार सोवर अरे निधंजन हमेशा खुश रहना चाहिए भाई ऑलवेज बी हैप्पी इसका सही उत्तर आपकी स्क्रीन पर हो जाएगा अरोरा जिसे हम क्या बोलते हैं अरोरा प्रभा कहते हैं अरोरा प्रभा या जिसको अरोबा बोरेलिस कहा गया ठीक है देखो अरोरा बोरे है कई फिनोमिना होता है जब आपके पोलार रीजन में क्या होता है पोलार रीजन जैसे अलास्का हुआ नॉर्दर्न कैनेडा हुआ यहां पर एक कलर डिस्प्ले होता है स्प्लेंडेड कलर डिस्प्ले देखा जाता है स्काई में उसे हम अरोरा कहते हैं ठीक ठीक है है और थीके? तो यहां पर जो है ना देखो इसको उत्तरी रोशनी के रूप में भी जाना जाता है दिस इज ऑल्सो नोन एज द नॉर्दर्न लाइट अगर नॉर्दर्न लाइट भी लिख करके आता है ना नॉर्दर्न Northern... लाइट भी लिख करके आता है तो भी आपको यहां पर क्या करना है इसको जानकर के रखना है बिकॉज द नॉर्दर्न लाइट क्वेश्चन ही नहीं समझा अरे अरोरा लाइट होती है एक अरोरा लाइट देखो यहां पर जो अरोरा भी है ना ये दो तरीके की होती है जिसको हम क्या बोलते हैं अरोरा बोरेस एक होता है अरोरा बोरेलिस और एक होता है अरोरा ऑस्ट्रेलिस

हो जाना चाहिए अगले प्रश्न पर आते हैं पूछा गया है आपसे यहां पर देखो विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इन प्योर फॉर्म हैज हाइजेस्ट मेल्टिंग पॉइंट शुद्ध रूप से निम्नलिखित में से किस धातु का सबसे अधिक गलनांक होता है कॉपर गोल्ड प्लेटिनम और टंगस्टन अरे देख लिए हैं अनिंसा जी देख हैं जीत का कमेंट ठीक है तो यहां पर जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है फॉलोइंग मेटल इन प्योर फॉर्म हैज दाइस्ट मेल्टिंग पॉइंट शुद्ध रूप में निम्नलिखित में से किस धातु का सबसे जो अधिक क्या है आपका गलनांक होता है गलनांक का मतलब यहां पर देखो क्या है कि भाई ये आपका जो क्या हो रहे हो मेल्ट होना स्टार्ट कर देते हैं कॉपर गोल्ड प्लेटिनम और टंगस्टन राइट आंसर यहां पर हो जाएगा इसका टंगस्टन ठीक है टंगस्टन में जो हाइजेस्ट मेल्टिंग पॉइंट होता है दैट इज थ्री फोर डबल टू डिग्री सेंटीग्रेड थ्री फोर डबल टू डिग्री सेंटीग्रेड या इसको अगर आप फेरन में कन्वर्ट करोगे तो कितना हो जाएगा सिक्स वन नाइन टू डिग्री फेरन हीट ये यहां पर इसका इतना मेल्टिंग पॉइंट होता है और इसमें अगर देखोगे तो हाइजेस्ट स्ट्रेंथ होती है लोवेस्ट वेपर प्रेशर होता है ठीक है हीलियम एक अगर देखोगे तो केमिकल होता है हीलियम एक केमिकल होता है जो लोवेस्ट मेल्टिंग पॉइंट जिसका होता है ठीक है और अगर आप हाइजेस्ट वन देखोगे तो क्या हो जाता है आपका कार्बन हो जाता है मेल्टिंग पॉइंट एक ऐसा टेम्परेचर होता है जहाँ से कोई भी जो आपका लिक्विड लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होना स्टार्ट कर देता है आपका कौन सॉलिड ठीक है सब्सटेंस कैन एग्जिस्ट इन द एक्बरियम अगले क्वेश्चन पर आते हैं पूछा गया है आपसे यहाँ पर देखो विच मिनरल इज ऑल्सो नोन एज द फूल्स गोल्ड ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछा गया था आपसे कि भाई किस खनिज को फूल्स गोल्ड मूर्खों का सोना कहा जाता है मैग्नेटाइट क्वाज फ्लोराइट और पायराइट सो so, इसका राइट right आंसर यहां पर देखो क्या होगा सही उत्तर इसका हो जाएगा आपका पाइराइट पाइराइट इसका राइट right आंसर हो जाएगा आपसे जो पूछा गया था देखो पायराइट एक मिनरल है जिसे फूल्स गोल्ड कहा जाता है इसको ऐसा इसलिए कहा जाता है बिकॉज ये गोल्ड कलर का होता है हाई स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है मेटेलिक लस्टर भी इसमें होती है और ये मोस्ट कॉमनली जो मिस्टेकन है फॉर द गोल्ड ठीक है गोल्ड के लिए इसको हमेशा मिस्टेकन कर दिया जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर पूछा गया है हाउ मेनी टीयर्स इन द पंचायती राज स्ट्रक्चर पंचायती राज स्ट्रक्चर में कितने टीयर्स होते हैं थ्री फोर टू फाइव पंचायती राज सिस्टम की बात करी गई है पंचायती राज सिस्टम में कितने यहां पर क्या होते हैं आपके टीयर्स होते हैं इसका अगर सही उत्तर देखोगे तो राइट आंसर यहां पर आपको क्या मिलेगा थ्री टीयर पंचायती राज सिस्टम की बात करी गई है पंचायती राज सिस्टम में आपके तीन पर्टिकुलर टीयर आ जाते हैं तीन टीयर में कौन कौन से हैं ग्राम पंचायत ग्राम पंचायत फिर आपका आता है पंचायत समिति पंचायत समिति पंचायत समिति के बाद आ जाती है आपकी जिला परिषद ठीक है अगले क्वेश्चन पर आते हैं हम पूछा गया है आपसे यहां पर देमेस हैमिस टू इज द फेस्टिवल कमोमरेट्स द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ हैमेसू त्योहार किसकी जयंती को मनाया जाता है ऑप्शन है आपके सामने गौतम बुद्धा गुरु पद्म संभव दलाई लामा और आदि शंकराचार्य किसके उसमें मनाया जाता है यह आपको बताना है आदर्श जी क्लास अपनी है ना ये दस मिनट और रहेगी पांच क्वेश्चन बचे हुए हैं फाइव क्वेश्चन वी आर विद द फाइव क्वेश्चन ठीक है सो इसका राइट आंसर यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा गुरु पद्म संभव हेमशु त्यौहार गुरु पद्म संभव की जयंती के रूप में मनाया जाता है लद्दाख में मनाया जाने वाला एक मठवासी त्योहार है तिब्बती पंचांग के पांचवें महीने के दसवें और ग्यारहवें दिन में हेमस मठ के प्रांगण में ये होता है और तिब्बती गुरु ही थे जिनका नाम था पद्म संभव पद्म संभव को गुरु रेमपोचे के नाम से भी जाना जाता है इसका मतलब होता है बहुमूल्य गुरु ठीक है इज ऑल्सो नोन एज द गुरु रेमपोचे जिसका बहुमूल्य गुरु नाम है वे भी कहलाते हैं अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है हाउ मैनी पॉलिटी हाउ मैनी पॉलिटीज डज द इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म ऑफ द फेडरिज्म अकोमोडेट संघवाद के संस्थागत तंत्र में किसकी राजनीति है थ्री वन टू फोर ठीक है किसकी है तो राइट आंसर यहां पर क्या हो जाएगा राइट आंसर यहां पर हो जाएगा आपका टू ठीक है दो यहां पर इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा संघवाद में अगर देखोगे तो राजनीतिक दो राजनीतिक तंत्र का समायोजित होता है पहला जैसे हम क्या बोलते हैं पहला जो राष्ट्रीय स्तर पर होता है दैट इज नोन एज द यूनियन ठीक है और दूसरा जो आपका स्टेट लेवल पर होता है जो क्षेत्रीय स्तर पर उसे हम क्या बोलते हैं स्टेट ठीक है यूनियन और स्टेट ये दो आपके आ जाते हैं फर्स्ट नेशनल और सेंट्रल लेवल सेकंड कहां पर होता है आपका रीजनल और प्रोविंशियल स्टेट लेवल दोनों आपके क्या होते हैं ऑटोनोमस होते हैं अपने स्फीयर में और हर लेवल में हर स्तर पर जो अलग अलग जिम्मेदारियां और शक्तियां हैं सरकार की अलग अलग प्रणाली है अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर पूछा गया है भाई ट्वेंटी दो बार क्यों आ गया ये ओके सो ये सत्ताईसवां क्वेश्चन होगा आपकी स्क्रीन में ठीक है सत्ताइसवां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन में होगा जिसे बोला गया अली ए लिगांग आ, स्प्रिंग फेस्टिवल इज एसोसिएटेड विथ विच स्टेट अली ए लिगांग एक बसंत त्योहार है किस राज्य से संबंधित है ठीक है सो बिहार सिक्किम असम और उड़ीसा कहां से संबंधित है यह आपको बताना है इसका अगर सही उत्तर देखेंगे तो क्या हो जाएगा असम राइट आंसर यहां पर हो जाएगा आसम ये जो फेस्टिवल है सेलिब्रेट हो जाता है आपका मिसिंग ट्राइब जो आपका मिसिंग जनजाति है मिसिंग ट्राइब के द्वारा इसे यहां पर सेलिब्रेट करा जाता है इस पर्टिकुलर फेस्टिवल को ठीक है और कब सेलिब्रेट होता है तो हर साल सेलिब्रेट होता है फरवरी और मार्च के बीच में या फर्स्ट बेडनेसडे ऑफ द मंथ जिसको क्या बोलते हैं गिनमोर पोलो कहा जाता है ठीक है अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर पूछा गया है विच गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया इन 1772 टू इंट्रोड्यूस टू कोर्ट इन ईच डिस्ट्रिक्ट अ क्रिमिनल कोर्ट जिसे फौजदारी अदालत कहा गया एंड सिविल कोर्ट जिसे दीवानी अदालत कहा गया ठीक <coughs> है तो यहां पर देखिए सही उत्तर क्या होगा इसका राइट right आंसर यहां पर हो जाएगा वॉरेन हेस्टिंग्स वॉरेन हेस्टिंग्स के द्वारा यहां पर यह जो था करा गया था 1772 में और दीवानी अदालत का मतलब था सिविल कोर्ट फौजदारी का मतलब हुआ करता था क्रिमिनल कोर्ट ठीक है दीवानी अदालत को स्टेबल करा गया था जो क्राइम जो सिविल डिस्प्यूट वगैरह थे सॉरी सिविल डिस्प्यूट को ख़त्म करने के लिए ठीक है और यहीं पर एक मुस्लिम लॉ भी हुआ करता था मुस्लिम लॉ जो एप्लीकेबल था सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम्स पर और हिंदू लॉ था हिंदूज के लिए वॉरन हेस्टिंग्स ने सर्व करा है गवर्नर जनरल भारत में 1774 से लेकर के 85 तक पचासी तक यह व्यक्ति भारत में रहा है और सुप्रीम कोर्ट ऑफ कलकत्ता को सेटअप किया गया था अंडर द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ सेवन सेवेंटी थ्री बिकेम द डेथ ऑफ अलीवर खां सेवनटीन फिफ्टी सिक्स सत्रह सो छप्पन में जब अली वर्दी खां की मौत हो जाती है तो उनकी मौत के बाद बंगाल का नवाब कौन बना था कौन बना था बंगाल का नवाब यह आपको बताना है ऑप्शन है कुली खां सिराजुद्दौला सुजान खां और मीर जाफर सुगईज so इसका राइट right आंसर आप देखोगे क्या हो जाएगा सही उत्तर हो जाएगा सिराजुद्दौला सिराजुद्दौला नवाब बनता है 1756 में जिसने अंग्रेजों को पूरी तरीके से घेरने की कोशिश करी थी बट गद्दारों ने यहां पर क्या कर दिया था सिराजुद्दौला को मरवा दिया था और गद्दारी का दूसरा नाम जिसे हम क्या बोलते हैं मीर जाफर जो पपेट नवाब बना था बंगाल का पहला पपेट नवाब था जिसे अंग्रेजों ने संरक्षण प्रदान दिया था अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर पूछा गया है यहां पर लेसलपतू किस भारतीय राज्य का लोक नृत्य है लेसल पतु इज अ फोल्क डांस ऑफ विच इंडियन स्टेट कर्नाटका गोवा केरला और नागालैंड यस, प्लासी की लड़ाई में हारा था साजन कुमार जी और वहीं पर उसकी क्या हो गई थी हारा क्या था उसकी मौत करवा दी गई थी ठीक है उसको मरवा दिया गया था मरवाया किसने था मीर जाफर का जो बेटा था उसके कहने पर मार दिया गया था ओके सो इसका सही उत्तर आप देखेंगे ये क्या हो जाएगा नागालैंड आपसे जो पूछा गया था कि भाई जो जिसको क्या बोलते हैं आपका लेसलपतु लेसलपतु जो एक लोक नृत्य है कहां का तो राइट आंसर हो जाएगा नागालैंड कर्नाटका में जो लोक नृत्य हैं आप उन सभी से परिचित होंगे जिनको क्या बोलते हैं डोल कथीना डोल कनीथा और यक्षगान डोलू कथिना एंड यक्ष ठीक है ये आपके कर्नाटक के हो जाएंगे गोवा में तो आप सभी को पता होगा क्या बोलते हैं धालो और फुगड़ी धालो एंड फुगड़ी केरल में आपका जिसको क्या बोलते हैं कोलियट्टम और मेडियटी कालियटम एंड मुडीयटी मुडी ये ठीक है नागालैंड में आपका हो जाएगा जिसको लशल पहलू बोला गया एक और होता है जिसे क्या बोलते हैं खम्बा लिम खम्बा लिम ये भी आपका कहां आ जाता है नागालैंड में अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर पूछा गया है विच इकोनॉमिक डेवलप द इंटरनेशनल ट्रेड थ्योरी इन एटीन सेवेंटीन बेस्ड ऑन द कंपेरेटिव एडवांटेज एंड सोशलाइज स्पेशलाइजेशन। आखिरी क्वेश्चन है ये आज का हमारा किस अर्थशास्त्री ने 1817 में तुलनात्मक लाभ और विशेषज्ञता के आधार पर अंतरराष्ट्रीय व्यापार सिद्धांत को विकसित किया था मिल्टन फ्रीडमैन पॉल क्रुगमैन गैरी ब्रेकर एंड डेविड रिकार्डो यस पीडीएफ मिलेगा सुमित चौधरी जी बिल्कुल आई विल प्रोवाइड यू द पीडीएफ आफ्टर द क्लास यू विल फाइंड इट इन द डिस्क्रिप्शन ठीक है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा बट पीडीएफ के लिए आपको वीडियो को लाइक जरूर करना पड़ेगा और शेयर करना पड़ेगा ठीक है वैसे तो मैं प्रोवाइड करता हूं हर क्लास का पीडीएफ देता हूं आपको आखिरी क्वेश्चन है भाई जल्दी जल्दी आंसर करो ये विशाल ने क्या कर दिया भाई थर्टी थ्री फोर्टी थ्री 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 फोर थ्री मतलब सारे ही आंसर कर दिए ऐसा कैसे हो सकता है right answer यहां पर इसका देखोगे तो क्या हो जाएगा आपका डेविड रिकार्डो फोर्थ वन इज द राइट आंसर फोर्थ वन इसका सही उत्तर रहेगा जिसको डेविड रिकार्डो कहा गया इन्होंने आपका तुलनात्मक लाभ और विशेषता तुलनात्मक लाभ विशेषज्ञता के आधार पर 1817 में जो इंटरनेशनल अंतरराष्ट्रीय व्यापार सिद्धांत को विकसित किया था ठीक है तुलनात्मक लाभ के कानून को उनकी पुस्तक ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी एंड टैक्सेशन के लिए श्रेय दिया गया है ठीक है तुलनात्मक लाभ एक अर्थव्यवस्था की क्षमता को व्यापार भागीदारों की तुलना में कम अवसर लागत और सेवाओं वस्तुओं के उत्पादन की क्षमता को भी दर्शाता है ये एक इंग्लिश इकोनॉमिस्ट हुए ठीक है सो दिस इज इट फ्रॉम माय साइड ये हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन था और नाउ इट्स टम फॉर योर डाउट डाउट्स के बारे में आप सभी के डिस्कस कर लेते हैं वीडियो को लाइक like करिएगा दोस्तों के साथ शेयर करिएगा बुक के चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा सबसे पहले आपको यहाँ पर शेयर करना है कि आउट ऑफ थर्टी आउट ऑफ थर्टी आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं राइट right, कितने क्वेश्चन करे हैं अगर आपने यहाँ पर देखो ट्वेंटी से लेकर के के क्वेश्चन किए हैं अ वेरी गुड स्कोर स्कोर जल्दी से अपना शेयर करिए तब तक मैं आपको आपको कुछ ऑफर्स बारे हूं। One pass for 100 plus government exams, में बता देता जिसमें मिलेंगे सौ से भी थर्टी फाइव हंड्रेड प्लस मॉक टेस्ट 500 सौ से भी ज्यादा पीडीएफ स्टडी नोट्स आपको मिलेगा सिर्फ वन फोर्टी नाइन रुपीज कोचिंग जनरल जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग Where you find hundred plus live classes, thirty five hundred plus question, ninety five plus PDF capsule, exam qualified coach, SSC CGL life coaching. Where you find three one five plus live classes, 40, 450 plus practice sets, eighty plus PDF notes, exam qualified course, complimentary yearly test book pass. Test book pass, one pass for all.

सभी ने यहाँ पर अपना स्कोर शेयर कर दिया है सो थैंक यू गाइज थैंक यू फॉर वॉचिंग आप सभी ने यहाँ पर बहुत अच्छे से बहुत पेशेंसली जो क्वेश्चन है टेक्स्ट बुक जब कोच है ना तो अमित कुमार जी कोच जैसे होते हैं ना हर रमाकांत आचरेकर जी भी एक कोच थे आई एम ऑल्सो योर कोच तो ऐसे ही एक पर्टिकुलर पर्सनल मैंटॉर रहेगा दैट विल लुक ऑन योर कंसिस्टेंसी कंसिस्टेंसी और उन चीज़ों पर ध्यान रखेगा आपको आगे बढ़ा करके ही रहेगा ठीक है सो बिल्कुल आज स्टोरी सुनेंगे नहीं अपन अगली क्लास में मंडे को सुना देंगे आपको ठीक है सो दिस इज़ फॉर द टुडे अभी के लिए इतना ही गई वीडियो को लाइक करिएगा दोस्तों के साथ शेयर करिएगा टेस्टबुक के चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा आदर्श जी इंडिया वर्सेज चाइना का जो आपने वीडियो बनाया था वो किस नाम से है सो so, आदर्श जी इसी वीडियो के कमेंट में जो है ना आपको इंडिया चाइना वाला रिलेशन का वीडियो मिल जाएगा और यहाँ पर उसका नाम अगर देखोगे तो क्या था कि भाई क्यों बढ़ रहा है भारत और चाइना के बीच में तनाव ऐसा कुछ नाम उसका रखा गया था ठीक है व्हाट वॉज द रीजन बिहाइंड द तनाव जो था इंडिया और चाइना के बीच में देखो मैं होल्ड ऑन फॉर वन सेकेंड मैं तुरंत बता देता हूँ आपको उसका नाम क्या था वीडियो का थोड़ा टाइम हो गया वीडियो को आए वो मैंने कब निकाला था अराउंड आपको कहां तक पहुंचना पड़ेगा यस yes. उसका जो टाइटल है इंडिया चाइना बॉर्डर डिस्प्यूट एक्सप्लेन ये यहां पर था देखो मैं आपको इसका लिंक दे देता हूं कमेंट सेक्शन में ठीक है सो ये ले लो लिंक मैंने कमेंट सेक्शन में दे दिया है तो यहां से लिंक उठा लेना ठीक है तो इसको देख लेना उसमें सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे ओके सो so, फिलहाल के लिए इतना ही मिलेंगे अपन अगली क्लास में देन टेक केयर गाइस गुड नाइट मिलते हैं अपन कब मंडे को ओके बाय गुड नाइट